बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यमुना चट्ठा एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ा होगा कि हम आपको आज जो है मिसाली नमूना या एक जर्नल रूटीन क्या होनी चाहिए एक डाइट प्लान की जब आपने डाइटिंग करनी हो, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलती। आप यूट्यूब पे हज़ार चीज़ें सर्च कर लें, ऐसे ज़रूर थंबनेल मिलेंगे, ये फलानी चीज़ लें और 10 kg कम करें इतने दिनों में, पर आपको जो चीज़ नहीं बताई जाती, और मेरा ख्याल है ये सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक पूरे दिन की रूटीन क्या होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू रूटीन। क्योंकि डाइट प्लान जो होता है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दवाई है आज ली, 4 दिन बाद आप ठीक हो गए और आपने छोड़ दी। अपनी रूटीन में डाइटिंग को एडजस्ट करें ऐसे कि आपको भी तंग ना करे और आपका वेट भी लॉस हो जाए। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो इसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगी वो ये कि इंटरनेट पे जो भी ऐसी चीज़, एग डाइट हो गई, जूस फास्टिंग हो गई, GM डाइट हो गई, ऐसे जो भी डाइटिंग की टाइप्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने एक तो पहली बात ये नहीं करनी, क्योंकि वही वाली चीज़ कि ये आप इना लॉन्गर रन कभी भी नहीं कर पाएंगे, और जो भी चीज़ आप लगातार अपनी लाइफ में ना कर पाएँ उसका वज़न कम किया भी वापस आ जाता है। इसलिए लोग बहुत तंग होते हैं कि ऐसी डाइटिंग का क्या फ़ायदा कि आपने वज़न कम किया, 2 महीने बाद छोड़ी वापस आ गया, पर देखें एग डाइट, जूस फास्टिंग वगैरह, इनका वज़न वापस आता है। अच्छा, अब चलते हैं टाइम टेबल पे, बिकॉज़ मैं जब अपने पेशेंट्स को काउंसल करती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है ऑन द टाइम टेबल, मेंटेन योर रूटीन। रूटीन कैसे बनानी है पाकिस्तान में, एक आम, और वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, कोई कहीं आ जा नहीं रहा, आप लोग घर होते हैं, एक आम बंदे की रूटीन ये होती है, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, और चूँकि कहीं जाना नहीं है तो लोग दोबारा सो जाते हैं। उसके बाद दिन का आगाज़ कैसे होता है? दिन का आगाज़ जनाब अमूमन नॉर्मली 7 बजे 8 बजे से होता है। अब देखिए 8 बजे मैक्सिमम लिमिट होती है आप लोगों की नाश्ता करने की, इससे लेट ना करें। जो लोग इससे लेट करें आपका प्रॉब्लम आ जाएगा वेट लॉस में, ठीक है। अगर आप 8 बजे उठने की रूटीन बना लें तो आपको बाकी दिन की मैं टाइमिंग्स बताती हूँ, उन टाइमिंग्स से आपने फूड फिर सेट कर लेना है। सबसे पहले अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आप 8 बजे उठें, उठते साथ आधे घंटे के अंदर नाश्ता करें, 11 बजे एक छोटा सा स्नैक लें, 1 o'clock अपना लंच करें, 4 बजे 5 बजे करीब फिर स्नैक लें, फिर डिटॉक्स वाला टाइम आ जाता है, थोड़ा सा डिटॉक्स ड्रिंक किसी किस्म का कोई ना कोई इस्तेमाल करें, फिर फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जाएं। फिज़िकल एक्टिविटी से फ़ौरन वापस आते साथ आपने 8 बजे डिनर कर लेना, रात सोने से पहले कोई ग्रीन टी या ऐसी कोई ड्रिंक वगैरह ले ली। ये है एक टाइम टेबल। अच्छा, आप इस टाइम टेबल पर आपने करने हैं फूड सेट। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ रोटी बिल्कुल भी आपकी दुश्मन नहीं है। गलत कहते हैं वो लोग जो रोटी छुड़वाते हैं या जो देसी डाइटिंग से हट के कोई बात बताते हैं। डाइटिंग का मकसद हर चीज़ नहीं है कि फलानी जगह से कोई बेरीज ले आए तो ओट्स ले आए तो ये वो ले आए, कोई मुश्किल मुश्किल दलिए तो पता नहीं क्या क्या। डाइटिंग होती है आसान, घर की रोटी दाल चावल, ठीक है, उन्हीं में रह के आराम से हो जाती है। आपने फूड सेट करने हैं, इस पर रोटी खाएं, चावल खाएं, चावल हफ्ते में 2 दफ़ा से ऊपर नहीं खाने, मटन हफ्ते में 1 दफ़ा से ऊपर नहीं खाना, चीनी निकालनी पड़ेगी, यस, सफ़ेद चीनी, मीठा ये वाला निकालना पड़ेगा आपको। उसके अलावा रोटी है तो आपने रोटी दिन के पहले हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे हिस्से में जो मगरिब के बाद वाला टाइम है उसमें अगर आप पूरे दिन में एक रोटी खा रहे हैं तो आपने डिनर में आधी लेनी है। डिनर में कार्ब्स का पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट्स का या रोटी का पोर्शन कम कर दें। रात को चावल नहीं लेते, अगर चावल लें तो लंच में लेते हैं और क्वार्टर प्लेट्स ऊपर नहीं लेते। तो क्योंकि मसला मैंने कार्ब्स पर इसलिए ज़्यादा फोकस किया है कि कार्ब्स ही ज़्यादा मसला बनाते हैं। उसके बाद लोगों को एक्सरसाइज का प्रॉब्लम होता है, ये दूसरी मिस्टेक है जो हम करते हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते। देखिए सर्दियां हैं, मुझे पता है, मेरे अपने पेशेंट्स बड़े बता रहे होते हैं कि डंडी हमारे से लगती है सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे। बाहर जाने में प्रॉब्लम है बिकॉज सर्दी है, आई अंडरस्टैंड, ना जाएं बाहर, घरों में रहें, पर रजाइयों के अंदर नहीं, घर में रह के आप घर के अंदर होम बेस्ड वर्कआउट्स होते हैं आप वो बड़े आराम से कर सकते हैं, आप वो करें। सर्दियों में बाहर वॉक पे ना जाना और वर्कआउट ना करना ये बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट करता है वेट लॉस में। अक्सर लोग कहते हैं कि सर्दियों में वज़न क्यों रुक जाता है, असल में सर्दियों में वज़न रुकता नहीं है, वो हमारी हैबिट्स ज़रा बदल जाती हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न फंस जाता है। तो फिर जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि वो लोग फिर क्या करें। तो जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है उन्होंने 3-4 चीज़ें देखनी है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगी हूँ, सब सुने, स्पेशली मेटाबॉलिज्म स्लो भी खवातीन का होता है इसलिए आप ज़रूर सुने। मील स्किप करना, मील स्किप करने से बड़ी दुश्मनी आप अपने जिस्म के साथ नहीं कर सकते। आप देखिए मेरी बात सुने, आप वेट लॉस करना चाह रहे हो उसके लिए आप मील स्किप कर रहे हैं, जिस्म को वो खुराक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे, जिस्म तो उनसे कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसे वेट लॉस का क्या फ़ायदा कि वज़न कम हो गया, चर्बी उतर गई है, और जिस शादी के लिए आप चर्बी उतार रहे हैं तो पॉलर जल मेकअप कराने को कहें कि बाजी आपके डार्क सर्कल्स इतने हुए हुए हैं, बिकॉज दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट नॉर्मली हैपन वैन आपका जो है प्रॉब्लम होता है न्यूट्रिएंट के साथ, न्यूट्रिएंट इनटेक के साथ।
तो मील स्किप ना करें, नाश्ता लंच डिनर तीनों लाजमी है, बीच में दो स्नैक के टाइम। बहुत मुश्किल बात है मैं कह रही, आप टोटली देखें पेपर पर पेंसिल पकड़े, मेरी वीडियो देखते ही टाइम टेबल लिख बनाए इस तरह करके, और उसके ऊपर अपने फूड सेट कर लें। दिन में रोटी लें, रात को रोटी आधी करें, रात को प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन में रोटी सानल लें, नाश्ते में अंडा लाजमी लें, और ये जनाब होगी आपकी डाइटिंग। और यकीन जाने मैं भी अपने पेशेंट्स को डाइटिंग ऐसे ही करवाती हूँ, डाइटिंग कोई हवा चीज़ नहीं है। ये इस पर आप जब इंटरनेट पर उल्टी सीधी वीडियोज़ देखते हैं तो आप ज़रूर परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या बातें करें, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। तो एट द एंड मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी इस वीडियो से, अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं तो वो ये है, डाइटिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आज की और कल छोड़ दी, ये ऐसी चीज़ है कि आप उसको पैटर्न बनाएं, ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम करेंगे छोड़ेंगे और बाद में दोबारा से रोटी चावल खाएंगे तो वेट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक, वो आएगा वापस। फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें, होम बेस्ड वर्कआउट करें, मील स्किप ना करें, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, दैट सेट आपका वजन हो गया कम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।